मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन का सबसे आसान रास्ता होता है वैवाहिक जीवन का, अगर वो अच्छा चल रहा हो, और जीवन का सबसे मुश्किल रास्ता होता है वैवाहिक जीवन का, अगर वो बुरा चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि सबके वैवाहिक जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं ही आती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी समस्या पैदा करती हैं। आज आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में और उनको दूर करने के उपाय के बारे में। सबसे पहली समस्या है कि पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाना। और ये बहुत कॉमन समस्या है कि पति के विचार अलग हैं, पत्नी के विचार अलग हैं। क्या मामला है? जब पति पत्नी के राशियों में मित्रता नहीं होती है, ग्रह मैत्री नहीं होती है, तो ऐसी समस्या हो जाती है कि पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाते। अगर ग्रहों में शत्रुता हो तो रोज वाद विवाद होता रहता है। पत्नी के ग्रह अगर पति के ग्रह के शत्रु हो तो रोज झगड़ा लड़ाई होती रहती है, वैचारिक मतभेद काफी आगे पहुंच जाता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। इसके अलावा या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगाएं। दूसरी समस्या, विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़े, नौकरी की वजह से या अन्य कारणों से पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हों तो क्या कारण होता है? देखिए, जब विवाह के तुरंत बाद शनि या राहु की दशा आ जाती है तो ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। यहां पर करियर या नौकरी की वजह से दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयासों के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। क्या उपाय करना चाहिए? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपने शयन कक्ष में बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक ज्वाइंट चित्र लगाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके परिवार वालों का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा जब खराब होता है तो पति पत्नी के जीवन में उनके परिवार वाले हस्तक्षेप करते हैं, और जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और मंगल की वजह से कभी कभी इसमें अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत भी आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाने चाहिए, अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं और हर सप्ताह में इसे बदल दें। अब एक और समस्या ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों की सेहत बिगड़नी शुरू हो जाती है, दोनों की सेहत में समस्या आती है। देखिए, पति पत्नी में कोई एक मांगलिक हो या दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों तो इस तरह की समस्या पैदा होती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो भी ये समस्या पैदा हो जाती है। क्या करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें और उनकी पूजा करें, पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। एक समस्या ये होती है कि विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे पे शक करते हैं, दोनों के बीच में शक पैदा होता है। क्या कारण होता है इसका? वैवाहिक जीवन में राहु का प्रभाव हो या चंद्रमा कमजोर हो तो पति पत्नी के बीच में बेवजह शक की नौबत आ जाती है। क्या करना चाहिए? जिसकी कुंडली में ग्रह खराब हो या जो शक करता हो वो नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करे, आहार और विचार सात्विक रखे,
और जीवन साथी के और अपने मन से शक दूर हो ऐसी प्रार्थना करे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में मारपीट की हिंसा की नौबत आ जाती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी के बीच में मारपीट और हिंसा हो जाती है। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? पति पत्नी साल में एक बार एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं और पति पत्नी नमः शिवाय का सुबह शाम जप करें। लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें।